हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शोल्डर बैग कटिंग एंड स्टिचिंग। उसके लिए मैं माप आपको ड्राफ्टिंग के दौरान बताती रहूँगी। उसके लिए ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये अंदर की लाइनिंग है और लाइनिंग इस बैग में डबल लगती है, तो दूसरी लाइनिंग मैं स्टिचिंग के दौरान आपको बताऊँगी। और ये मेरा फ्यूज़न पेपर है, ये वैसे तो थोड़ा मोटा है लेकिन ये ऐसे मुड़ने वाला है, मतलब सॉफ्ट है। ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होगा, जहाँ से आप रील बुकरम वगैरह खरीदते हो उस शॉप से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस पेपर से आपको बैग का दो पार्ट्स बनाने बताती हूँ। तो मैं इसको ऐसे डबल कर रही हूँ, टू पीसेस पहले हम बैग के कट करेंगे। वो हमारे विड्थ में है 16, तो मैं 16+1 यानी कि 17 इंच लूंगी विड्थ में, और लेंथ में है 13, तो 13+1 यानी कि 14 इंच लेंगे। इस प्रकार मैं बॉक्स बना करके ये दो पीसेस कट कर लेती हूँ। ये हमारे बैग के जो इनर लोअर पार्ट के दो पीस हैं, ये कट गए हैं। अब मैं अपर साइड एक इस प्रकार स्ट्रिप देना चाहती हूँ, तो उसके लिए दोबारा हम ये लेंगे और इसकी विड्थ तो वही होगी जो हमारे बैग की विड्थ है यानी कि 17 इंच, और इस अपर पार्ट की जो लेंथ है वो है 3 इंच, तो उसमें मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करूंगी तो आ जाएगा 3.5। और इस प्रकार यहां से मैं ये दो पीसेस भी कट करूंगी। ये हमारे पीसेस कट गए हैं। अब इसके ऊपर हम बैग में एक फ्लैप लगाएंगे, उसमें हम बटन लगाएंगे। उसकी हमारी लेंथ है 8 इंच और विड्थ है 4.5 इंच, तो मैं ऐसे यहां से विड्थ ले लेती हूँ 4.5 इंच और ऐसे लेंथ ले लेते हैं 8 इंच, तो ये बॉक्स भी हम कट कर लेंगे। उसके बाद इस पोर्शन को हम ऐसे सेंटर टू सेंटर मैच करेंगे और इसको हम एक ऐसे कर्व शेप देंगे। ठीक है, तो लेकिन ये इसके ऊपर पहले मैं कपड़ा लगा करके, इसके ऊपर सिलाइयां लगा करके उसके बाद ये कटिंग करूं। अब इन पीसेस के बराबर के हम ये मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक भी कट कर लेंगे। वो सिंपल है, इसको ऐसे रख करके इसके ऊपर हम एक पीस को रखेंगे और ऐसे रख करके इसके चारों तरफ कट कर लेंगे। ये हमारे बैग का लोअर पार्ट है, इसको हम ऐसे रॉन्ग साइड में लेके जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर ये फ्यूजन पेपर लगाएंगे। उसके बाद ये लाइनिंग का जो पीस है इसको भी इसके ऊपर ऐसे सेट कर लेंगे, ये हमारी राइट साइड आएगी। और इसके ऊपर हम 1/1 इंच का गैप देके लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर हम स्टिचिंग कर देंगे, ताकि ये हमारा जो फ्यूजन पेपर है ये अच्छी तरह इसमें फिक्स हो जाए। इसके बाद हम ये दूसरा पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे, और ये हमारा अपर जो स्ट्रिप लगेगा उसमें हम इसको इसके बीच में लेंगे
और इसकी लाइंस हम ऐसे लगाएंगे 1 इंच गैप देख करके। उसके बाद ये हमारा फ्लैप है, इसको मैं ऐसे पहले दोनों साइड फिक्स करूंगी और इसके पहले सेंटर में एक लाइन दूंगी। उसके बाद इसमें मैं ऐसे राउंड इस प्रकार लाइनें लगाऊंगी। बैक के दोनों पीसेस में इस प्रकार गैप स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको ऐसे राइट साइड में लेके आएंगे और इसका भी हम राइट साइड ऐसे मैच करके राइट टू राइट अपर साइड में ऐसे सिल देंगे और ऐसा हम ये दोनों पार्ट्स में करेंगे। ये सिंपल स्टिचिंग है। उसके बाद हमने ये इसका अपर फ्लैप लेना है, उसमें मैंने ये सेंटर की स्टिचिंग यहाँ तक लगा दी है इसका हाफ करके, और उसके बाद मैंने ये ऐसे कर्विंग लाइन ली है। अब इस पर मैं स्टिचिंग कर दूंगी और मैंने ये स्ट्रिप्स भी तैयार कर लिए हैं। मैं ये लाइनिंग स्टिचिंग करके और इसको राइट टू राइट मैच करके सिंपल स्टिचिंग करके नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। बैक के दोनों पार्ट्स को सील करके और इसके ऊपर हमने इसको अपर साइड ले जा करके प्रेस स्टिचिंग भी कर दी है और ये मैंने इसका फ्लैप को भी ऐसे राउंड में स्टिच कर दिया है। अब मैं इसको इस प्रकार राउंड में कट करेंगे, जो सबसे लास्ट वाली हमारी स्टिचिंग है उसको लेते हुए। अब हम इसके ऊपर इस फैब्रिक से और एक पट्टी लेंगे और इसके चारों तरफ 3 साइड में पाइपिंग लगाएंगे। अपर साइड हम पाइपिंग नहीं लगाते। पाइपिंग लगाने के बाद अब हम ये अपने बैग का पीस लेंगे और इसको मेजर करेंगे लेंथ वाइज भी। ये हमारा 17.5 के करीब आया है और विड्थ वाइज भी ये भी हमारा 17.5 आया है। तो अब हम ये एक और एक्स्ट्रा हम लाइनिंग का पीस लेंगे, इससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम इस पीस की कटिंग करेंगे लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी, यानी कि हम दोनों दो पीस 18 इंच के कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इस इनर पीस को राइट टू राइट मैच करके ये साइड की स्टिचिंग लगाएंगे, बॉटम से इसको खुला रखेंगे। इसी प्रकार हम इस बैग को भी ऐसे राइट टू राइट मैच करेंगे और ये साइड की स्टिचिंग देंगे, इसका बॉटम यहाँ से खुला रखेंगे। पहले ये दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इस लाइनिंग पोर्शन को राइट साइड में लेके आएंगे। और अब इसको इसके अंदर डालेंगे ऐसे और सिलाई को सिलाई के साथ मैच करते हुए राइट को राइट से मैच करते हुए टॉप में ऐसे हम राउंड पार्ट में स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये राउंड में स्टिचिंग करने के बाद अब हम इस लाइनिंग पार्ट को इस प्रकार लेके आएंगे आउटसाइड में और ऐसे इसको पलट देंगे। मैं इसको पूरा नीचे तक पलट के नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। इस प्रकार इसको पलटने के बाद अब हम इसके टॉप में इस तरह अंदर करके एक स्टिचिंग और देंगे ताकि ये हमारा इनर का कपड़ा अंदर की साइड फर्मली फिक्स हो जाए। टॉप की ये फिनिशिंग स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसके बॉटम की पहले सिंपल स्ट्रेट स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद मैं इसमें आपको नेक्स्ट स्टिचिंग बताऊंगी।
बॉटम की स्टिचिंग लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर एक ये पट्टी लगा दी है ताकि ये बेटर फिनिशिंग आ जाए। अब हम दोनों साइड से 2.5 इंच का मार्क लगाएंगे ऐसे कॉर्नर से और इसी तरह इधर से भी। और अब इसको ऐसे ये वाली जो हमारी सिलाई है ये ऐसे इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से इसमें स्टिचिंग करने के बाद अब हम इस कॉर्नर पीस की कटिंग कर लेंगे। अब इस पोर्शन में भी हम इससे फैब्रिक लेकर के इसके दोनों साइड लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे। बैक की बॉटम स्टिच करने के बाद अब हम रिमेनिंग फैब्रिक से ये और एक पट्टी लेंगे और इसको इस प्रकार मोड़ करके ऐसे बारीक सी एक डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के बाद अब हम इस बैग को राइट साइड में लेके आएंगे। बॉटम से हमारा बैग इस प्रकार दिखाई देगा। अब हम टॉप पार्ट में आएंगे और इस बैग के माउथ का सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद हम ये फ्लैप लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर से मैच करते हुए ऐसे स्टिच कर देंगे। फ्लैप लगाने के बाद और इसको फर्मली फिक्स करने के बाद अब हम ऐसे लेके आएंगे और इस फ्लैप को ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने लूप बनाई है ये यहां पर इस प्रकार फिक्स करेंगे। जितने भी आपकी ये लूप लगेगी इस प्रकार ऐसे यहां इसको फिक्स कर लेंगे फर्मली और ऐसे करके ये लूप इस तरह से यहां एक बटन लगाएंगे। ताकि ये यहां पर हमारा ये फ्लैप बंद हो जाए और उसके बाद हम ये जो हमारी साइड की स्ट्रिप्स हैं इसको ऐसे फोल्ड करके और जहां भी आपने इन दोनों के बीच में ऐसे सेंटर लेकर के ऐसे यहां से ऐसे बॉक्स बना के सिल देंगे और दूसरी साइड हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट में भी ऐसे फोल्ड करके और यहां पर भी बॉक्स बना के सिल देंगे। ये नॉर्मल बैग की तरह इस तरह लगाएंगे और ऐसे ही एक ये दूसरी लूप ऑपोजिट साइड इसके ऑपोजिट में सिल देंगे। ये कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी एक पिक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरा ये बैग बनाना पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।